और ऑन द स्पॉट में आज पहली खबर दिल्ली मेट्रो से जुड़ी हुई है। राजधानी की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो में अफरा तफरी मच गई। लोग टिकट लाइन को कूद कूद कर जाने लगे। क्या हुआ था मेट्रो स्टेशन पर जाने के लिए देखिए न्यूज नेशन संवाददाता वाजिद अली की ऑन द स्पॉट रिपोर्ट। मेट्रो का पंच पिलर और उसके ऊपर से कूद कर जाते लोग, ऐसी तस्वीरें शायद आपने पहले कभी नहीं देखी। सैकड़ों लोग एक एक कर पंचिंग पिलर के ऊपर से कूदे जा रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। तस्वीरें दिल्ली के पटेल चौक मेट्रो स्टेशन की हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था पटेल चौक स्टेशन पर जो ऐसी अफरा तफरी मची? दिल्ली मेट्रो का पटेल चौक का यही वो स्टेशन है जहां से एक वीडियो सामने आया है जिसमें यात्री जो हैं वो AFC गेट को क्रॉस करते हुए उनके ऊपर से कूदते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि CISF के कर्मचारी भी भीड़ को काबू करने में असफल साबित हो रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम जब ऑन द स्पॉट पहुंची तो मेट्रो स्टेशन पर मचे हंगामे की वजह सामने आई। दरअसल मेट्रो स्टेशन के पंचिंग पिलर ना तो कार्ड रीड कर रहे थे और ना टोकन ले रहे थे। बताया जा रहा है ये वीडियो 8 जून की शाम का है। मेट्रो में तकनीकी खराबी के कारण AFC गेट भी काम नहीं कर रहे थे जिसके चलते मेट्रो के यात्री खासा परेशान थे और जल्दबाजी में इस तरीके से AFC गेट के ऊपर से कूद कर जा रहे थे। ऐसे हालात में भगदड़ भी मच सकती थी क्योंकि तस्वीरों में साफ दिखता है कि सैकड़ों लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर मौजूद थे। क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या बच्चे, जिसको जहां से मौका मिल रहा था वो कूद कूद कर बाहर निकल रहा था, लेकिन शुक्र था कि हालात काबू से बाहर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में CISF के कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि आखिर वो यात्रियों को किस तरीके से कंट्रोल करे, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में भगदड़ मच जाए तो फिर आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली मेट्रो में पहले भी तकनीकी खराबियां आ चुकी हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं जब सैकड़ों लोग यूं कूद कूद कर मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन की दूसरी ऑन द स्पॉट रिपोर्ट है कोटा से, जहां पर सरे बाजार चाकूबाजी का मामला सामने आया है। बेखौफ अपराधियों ने बीच बाजार में दुकान के अंदर एक शख्स पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार की ऑन द स्पॉट रिपोर्ट। फर्श पर लेटा रहम की भीख मांगता एक शख्स और उसके ऊपर चाकुओं और डंडों से वार करते 6 से 7 लोग। तस्वीरें कोटा के रामपुरा की है जहां बाजार में अचानक हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने एक शख्स को घेर कर चाकुओं से हमला कर दिया। कोटा में रामपुरा कोतवाली इलाके के न्यू क्लॉथ मार्केट में चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां करीब 1 दर्जन बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। दरअसल बेरहमी से अंजाम दी गई इस वारदात की वजह थी पुरानी रंजिश। दो गुटों में झगड़ा हुआ और दूसरे गुट के हथियारबंद लोगों ने इस शख्स को बाजार में घेर लिया, जिसके बाद हमला किया गया। देखिए कैसे एक शख्स इस नौजवान पर लगातार चाकू बरसा रहा है और दूसरा शख्स आगे से उसे चाकुओं से गोदने की कोशिश कर रहा है। इस दरमियान युवक एक बार बचकर दूसरी दुकान में चला भी गया, लेकिन बदमाशों ने उसका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और युवक को तब तक पीटते रहे तब तक वो बेसुध नहीं हो गया। हमलावरों के सिर पर कितना गुस्सा सवार था इसका अंदाजा आपको आगे की तस्वीरों से लगेगा। जब हमलावर भागे तो एक शख्स लौट कर आया और जमीन पर लेटे जख्मी शख्स पर दनादन डंडों से वार करने लगा। हालांकि जख्मी युवक की जान बच गई, वक्त रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया और अब पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन।